नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि LIC का जो वेज रिवीजन होता है वो हमारे बैंक के वेज रिवीजन के बाद होता है, और हमेशा हमसे अच्छा वेज रिवीजन वो लेके जाते हैं। और यहाँ पे भी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने एक ऐसा ही सर्कुलर निकाल के यहाँ पर एक कंपेरिजन दिखाया हुआ कि कैसे जो LIC का वेज रिविज़न जो है बैंक के वेज रिविज़न से एक बहुत ही अच्छा वेज रिविज़न हुआ है। यहाँ तक कि मेरी बात एक LIC के एम्प्लॉयज़ हुआ, उनका ये बोलना है कि उनका जो भी जो अभी ग्रॉस चल रहा है उनका बेसिक हो जाएगा, तो एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि आप सर्कुलर देख सकते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे। वीडियो थोड़ा लेट आया क्योंकि ट्रांसफ़र की वजह से अभी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी रूम भी नहीं मिला है, इसलिए वीडियो जो है अभी लेट आ रहे हैं और शायद थोड़े लेट आते रहेंगे। मैं जल्दी शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर है वो 6/5/2024 का सर्कुलर है, और ऑफिसर्स वर्किंग इन LIC आर फॉर अहेड बैंक ऑफिसर्स इन करंट वेज रिवीजन टू करके इन्होंने एक जो है सर्कुलर निकाला हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट नोटिफिकेशन में जो है 1/8/2022 को जो है एक ये निकाला गया है कि इनका जो है सेटलमेंट हो गया है और उन पर क्या क्या इनको कंपेरिजन किया गया है बैंक से। ये फ़ायदा यहाँ पर दिखाया गया कि क्या बेनिफिट्स ज़्यादा मिले हैं बैंकर के जो है सेटलमेंट के बाद। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने पुराने वीडियोस में बताता रहा हूँ कि LIC का जो सेटलमेंट होता है हमेशा बैंक के 1-2 महीने के बाद होता है, और हमेशा वहाँ पे जो है एक अच्छा सेटलमेंट मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर वर्क फोर्स कम है और वहाँ पर जो है प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट उनको एक अच्छा सेटलमेंट देती है। LIC के लिए एक बेनिफिट की भी बात है कि वहाँ पर उनको 5 days week भी मिल चुका है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, और इसके साथ साथ ही बैंक से उनको एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छी सैलरी वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप पूरा सर्कुलर एक बार पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ इफेक्ट का कंपैरिजन किया गया, जहाँ पे LIC को 1/8/2022 से यहाँ पे दिया गया है सेटलमेंट का फ़ायदा, वहीं पर बैंक वालों को 1/11/2022 से दिया गया है। इसके बाद जो DA का मर्जर है, यहाँ पे LIC को 8,456 का मर्जर DA का दिया गया है और बैंक को 8,088 पॉइंट का ही मर्जर दिया गया है। इसके बाद अगर लोडिंग टू बेसिक पे आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बताया कि लोडिंग पे क्या होता है, इस किससे लोडिंग पे से क्या आपके सैलरी पे इफेक्ट पड़ता है, ये आपका सारा का सारा लोडिंग पे जो लोड फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो LIC का लोडिंग फैक्टर है वो 16% है और वहीं पे बैंक का जो है वो 3% है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पे स्लिप में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो LIC के जो स्टार्टिंग जो बेसिक पे हो रही है वो 88,635 रुपये हो रही है, और बैंक एम्प्लॉयज़ की जो स्टार्टिंग हो रही है वो 48,480 रुपये हो रही है। तो यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर एंड ऑफ द स्केल जो है कि 7 स्केल पे बात किया जाए, तो LIC का जो एंड ऑफ स्केल है वो 3,37,945 है और बैंक का जो है वो 1,73,860 रुपये है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आपको एंड स्केल पे भी देखने को मिल रहा है। और छठे पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि जो पॉइंट मर्ज हो रहा है वो 528 पॉइंट LIC मर्ज हो रहा है और बैंक में केवल 434 पॉइंट ही मर्ज हो रहा है। और जो DA का मर्जर है वो LIC में 42.24 का मर्जर हो रहा है और बैंक में 30.38 का मर्जर हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बैंक में DA मर्जर होगा या LIC में, तो जितना ज़्यादा DA का मर्जर होगा उतना ज़्यादा आपका बेसिक बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा आपकी जो है ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी। और यहाँ पे इंडेक्स फिगर जो बेस का लिया गया है 1960 LIC का लिया गया है 100 पॉइंट, और बैंक का जो है 2016 पे 100 पॉइंट लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे सर्कुलर में एक सवाल और उठाया गया, जो इंडेक्स फिगर का जो ईयर था, बेस ईयर था, उसको 1960 से 100 किया गया है। जो 1960 से 100 था उसको 2016 पे 100 पॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी, और यहाँ पे करने के बाद जो है एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी। कमेटी बनाने के बाद यहाँ पे इन्होंने MOU में उसको मेंशन भी नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि खुद उसका यूनियन ने विरोध किया था उस समय, फिर भी इसको मतलब यहाँ पे चेंज करने की बात की गई है। और एक जो इसमें लास्ट का एक पॉइंट है, उसमें जो DA पॉइंट्स मर्ज जो अप टू इसमें किया गया अगस्त 2022 का, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इनको मिलता है यहाँ पे जो DA है, और बैंक में जो है अगस्त 2021 को, तो वहाँ पर DA कम था, तो यहाँ से भी हमको एक लॉस होता है बैंक एम्प्लॉयज़ को। तो दोस्तों, ये सर्कुलर इन्होंने निकाला है, और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक चीज़ पूछा हुआ है कि इतनी जल्दी क्या थी, इतना जल्दी सेटलमेंट करने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे बैंक के यूनियंस को,
और LIC को एक अच्छा बेनिफिट हर बार क्यों मिल जा रहा है और बैंक एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं और क्यों एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।